इस दुनिया में ना भूतियों और चूतियों की कमी नहीं है ना कैटरीना दीदी। हमारे सलमान भाई को इतना टॉर्चर किया, आप इतना टॉर्चर किए विक्की सर से शादी करके, बेचारे सलमान भाई यार क्या बोलो यार, टाइगर थ्री वो पोस्टपोन कर दिए। अच्छा उसको छोड़ो यार, यार मतलब इस दुनिया में लोग किस किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं ना। हमारे विजय माल्या सर, हमारे नहीं मतलब हमारे देश का करोड़ों रुपया लूट के बाहर चले गए, मस्त मौज कर रहे हैं। कुछ लोग ना भूत भगाने के नाम पे आते हैं, भूत साला वो लोगों में खुद में होता है और हमको बोलते हैं भूत भगा दिया, 2,000 5,000 का कवर लेके जाते हैं, मतलब इसी तरीके से लोग को भूत भगा रहे हैं। एनीवेज मैंने आज अभी देखी है फोन भूत, और उस मतलब वो मूवी को देख के ऐसा लग रहा है मेरे अंदर भूत आ गया है, मतलब इतना खतरनाक मूवी देखा है मैंने। अब इसके अंदर एक चुड़ैल और दो इंसान मिलके बिजनेस कर रहे हैं भूत भगाने का। इसमें आत्माराम तुकाराम भिड़े भी है, मेरा मतलब है जेके सुरॉफ सर। आई डोंट नो मतलब क्या बोलूँ इसके बारे में, क्या मतलब चूतिया बनाना तो इनसे सीखे यार, क्या ज़बरदस्त तरीके का महाचूतिया मूवी बनाया यार, क्या ज़बरदस्त तरीके का। अच्छा मूवी का स्टार्टिंग क्या है, मूवी का स्टार्टिंग होता है दो बंदे होते हैं, एंड दो बंदे होते हैं उनको भाई वो पहले से आत्मा वात्मा वगैरह वगैरह का शौक होता है। उनके सामने कैटरीना कैफ आती है मस्त एक आइडिया लेके कि भाई भूत और इंसान मिलके बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करते भी है, और आगे आगे क्या होता है ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा, और क्या क्या देखने को मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते यार। मैं एक बात बोलता हूँ यार, ये मूवी के अंदर है ना 75 to 85, 75 to 85 छोड़ दो, 100% जो कॉमेडी है ना, जो जॉक्स है, बच्चों के लिए, 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए। आप ऐसे बैठे रहोगे, हंसी नहीं आएगी और रोना भी नहीं आएगा, और उसके बाद जो डायलॉग सुनने को मिलते, जो जॉक सुनने को मिलते, ऑनेस्टली सेइंग, अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब चलाते हो ना पिछले 4-5 सालों से, हर एक जॉक्स हर एक डायलॉग्स हर एक चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा किसी मेमेस पे, किसी व्हाट्सअप ग्रुप्स में, किसी इंस्टाग्राम पे, किसी फेसबुक में। जॉक्स भी इतने वाहियात, इतने सुने हुए, इतने बोरिंग लग रहे ना, मैं आपको क्या बोलूँ। और इसका VFX आय हाय 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 हाय, मतलब यार क्या बोलूँ मैं इसके VFX के बारे में यार। वो आप भाई, वो जब मैं 8-10 साल का बच्चा था ना, उस टाइम से मैं कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ, एंड आज तो नहीं देखता, अभी तो नहीं देखता, बट कार्टून नेटवर्क तब हम देखा करते थे भाई, उसका VFX अच्छा होता था आप लोगों के मूवी के हिसाब से। और उसके बाद आपके जो सीन्स वो भी कॉपी भाई। इसमें एक सीन आता है जहाँ पर है ना वो जो गाड़ी होती है ना, वो स्लो मोशन में चल रही है। ये सारे सीन सबने हाई बेबी में देख चुके हैं, वो अक्षय कुमार का मूवी। मतलब आपके सीन्स, आपके डायलॉग्स, आपका मूवी इतना कॉपी केटे, उसके बाद ना स्टोरी में दम है, ना ही कंटेंट में दम है, ना ही कुछ हंसा रही है, ना ही कोई रुला रही है, ना ही कोई कनेक्शन बना रही है, ना ही फर्स्ट हाफ में मज़ा आ रहा है, ना ही सेकंड हाफ में मज़ा आ रहा है, पूरा बच्चा टाइप मूवी। ये कोई मूवी होता है यार कैटरीना दीदी, कोई मूवी होता है यार, मतलब यार क्या समझे यार। बच्चों का 10 साल का वही बना के कार्टून नेटवर्क पर रिलीज करने की जगह आप थिएटर में रिलीज कर दोगे तो हमको फील आ जाएगा यार, व्हाट इज दिस जेकी दादा। अरे जेकी दादा क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, मतलब मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली बोलता हूँ। पता है जेकी सुरॉफ की एक मूवी है जहाँ पर वो बच्चों के साथ मिलके अपना बदला लेते हैं, बहुत पहले आई थी भूत अंकल आई थिंक, भाई वो मूवी अच्छा था इसके सामने, क्योंकि भाई उस टाइम पे हम बच्चे थे, स्टार किड्स, तो वो मूवी हमको देखने में मज़ा आया था। बट यार जेकी दादा आप बोलोगे कि आज भी हम ऐसी मूवी बना के आज भी आप हमको एंटरटेन कर दोगे तो नहीं हो पाएगा यार, कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा यार। ना ही VFX ढंग का है, ना ही डायलॉग्स ढंग के, ना ही जोक्स अच्छे हैं, ना ही कोई मूवी में मज़ा आ रहा है, ना ही फर्स्ट हाफ में मज़ा आ रहा है एकदम। भाई एक्टिंग की बात करते ईशान खट्टर इस अल भाई, वो बंदा ज़बरदस्त एक्टिंग किया है, कैटरीना कैफ अल्सो गुड एक्टर, बट सॉरी टू से डायरेक्शन वाइज स्क्रीन प्ले वाइज कहीं से भी ये मूवी कनेक्ट नहीं करती है यार। हाँ ये मूवी कनेक्ट करेगी 10 साल से छोटे बच्चे को जिनको सिर्फ हंसना है बस, और कुछ भी नहीं, मतलब उनको समझ नहीं आएगा होगा क्या भाई। इनलॉजिकल कॉमेडी बोलते ना भाई, बेकार जॉक्स, व्हाट्सअप जॉक्स, कार्टून नेटवर्क वाला VFX, क्या बोलूँ यार इस मूवी के बारे में, टोटली डिसअपॉइंटमेंट यार, बकवास, महा बकवास। एंड 5 में से 1 स्टार में दूंगा, वो भी कैटरीना कैफ के लिए, के सिर्फ चलो कैटरीना कैफ के लिए, बंदी बहुत खूबसूरत है बाकी कुछ भी नहीं, बाकी भंगार मूवी। एनीवेज यार आपको देखनी है तो देखना, मैं तो अपना भूत निकलवाने के लिए जा रहा हूँ अभी किसी मंदिर या मस्जिद में, और क्या कर सकते हैं, मूवी देखने के बाद अपने में भूत आ जाता है। मिलते किसी और भी, मतलब तक के लिए बाय बाय।